गुडामाली क्षेत्र के आरजीटी थाने में बुधवार को ग्राम रक्षक सदस्यों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण शिविर में ग्राम रक्षक सदस्यों को सामुदायिक पुलिसिंग एक सकारात्मक अवधारणा जो पुलिस और जनता के बीच की दूरी को पाटने के बारे में बताया गया। गुडामालानी से अर्जुन दर्जी की रिपोर्ट। गुडामालानी क्षेत्र के आरजीटी थाने में बुधवार को ग्राम रक्षक सदस्यों के साथ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। थाना अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस प्रशिक्षण शिविर में ग्राम रक्षक सदस्यों को सामुदायिक पुलिसिंग एक सकारात्मक अवधारणा जो पुलिस और जनता के बीच दूरी पाटने का काम करती है और ग्रामीण क्षेत्रों तक इसका विस्तार करने के लिए ग्राम रक्षक योजना को प्रारंभ किया गया के बारे में बताया गया। साथ ही इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा एवं अपराध नियंत्रण के लिए ग्रामीण एवं पुलिस के बीच में आपसी सामंजस्य संवाद एवं परंपरा विश्वास कायम करने की बात कही गई। वहीं ग्राम रक्षकों की सूचीबद्धता का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था को कायम करना एवं पुलिस के सहयोगी बनकर बिना झिझक और दबाव के ग्रामीण अपनी पीड़ा पुलिस को बता सके और पुलिस ग्राम रक्षकों की सहयोग कर सके और पीड़ा का यथासंभव समाधान कर सके। पुलिस विभाग के निर्देशानुसार पुलिस थाना राजेश्वरी गैस टर्मिनल में ग्राम रक्षकों का प्रशिक्षण रखा गया। प्रशिक्षण में ग्राम रक्षकों के कर्तव्य व उत्तरदायित्वों को उनके बारे में बताया गया। प्रशिक्षण के बाद ग्राम रक्षकों को एक ग्राम रक्षक पंजिका और एक ग्राम रक्षक बेस प्रदान किए गए। इस प्रशिक्षण के बाद ग्राम रक्षकों को बूक व बैच दिए गए। प्रशिक्षण के दौरान हेड कांस्टेबल मोहनलाल, बृजलाल विश्नोई, नवलाला मेघवाल, प्रवीण विश्नोई, भागीरथ कड़वासरा, सुखराम पुरोहित सहित कई ग्राम रक्षक उपस्थित रहे।